वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज स्टूडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बी फ्रॉक फॉर 8 to 10 ईयर बेबी गर्ल, जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1.5 मीटर नेट प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रिंटेड फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है इस तरह से। अब यहाँ पे हम टॉप का पार्ट कट करेंगे, फोल्ड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 8 इंचेस और यहाँ पे हल्का सा आउटशेप देते हुए आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 13 इंचेस। अब नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 2 इंचेस फ्रंट और बैक के लिए। हल्का सा राउंड शेप देते हुए नेक ड्रॉ करना है यहाँ पे दोनों पार्ट्स के लिए। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए, हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें 2 पीस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए टॉप पार्ट के इस तरह से। अब यहाँ पे दोनों पार्ट्स के लिए हमें बेस फैब्रिक कट करने हैं। तो बेस फैब्रिक को यहाँ पे हमने 2 फोल्ड किया हुआ है और एक पार्ट को हम सीधा रखेंगे इसके ऊपर और एज इट इज मार्क करने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। और दोनों पार्ट्स के लिए यहाँ पे बेस फैब्रिक हमने कट कर लिए हैं इस तरह से। अब यहाँ पे मेन को राइट रखते हुए बेस का फैब्रिक यहाँ पे इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे दोनों पार्ट्स पे इस तरीके से और अच्छे से मिलाना है मेन रोल पीस को यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हमारा बैक का पार्ट है जिसे हम 2 फोल्ड करेंगे और हमें सेंटर पे कट लगाना है। तो 4 इंचेस डाउन तक हम कट लगाएंगे और वापस हमें इसे टर्न कर लेना है यहाँ पे आर्म होल्स में और नेक पार्ट में हमें सिलाई करनी है दोनों पार्ट्स में इस तरह से। ये देखिए, हमने सिलाई कर ली है दोनों पार्ट्स में फ्रंट और बैक में और जहाँ भी हमने सिलाई की है वहाँ पे हल्के हल्के नोचेस लगाने हैं हमें। और नोचेस लगाने के बाद दोनों पार्ट्स को हमें राइट साइड में टर्न कर लेना है। तो देखिए, हमने दोनों पार्ट्स टर्न कर लिए हैं एक को राइट रखते हुए, दूसरा इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे। दोनों शोल्डर यहाँ पे अटैच करने हैं हमें। तो देखिए, हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं। ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है और बॉटम के पार्ट्स के लिए हमने इस तरीके से प्लेन फैब्रिक से 2 रेक्टेंगल पीसेस कट किए हैं, नेट फैब्रिक से 2 रेक्टेंगल पीसेस कट किए हैं जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 38 इंचेस और 38 इंचेस। दोनों पार्ट्स की ब्रॉडनेस सेम रखी है और लेंथ हमने ली है 17 इंचेस और नेट फैब्रिक की 20 इंचेस। अब यहाँ पे हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से अरेंज करना है फ्रंट और बैक को दोनों को साथ में और पैटर्न के लिए हमें शेप ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। कॉर्नर से 37 इंचेस पे हमें मार्क करना है अपर साइड में लेफ्ट साइड में और हमें लाइन ड्रॉ करनी है और हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए, हमने इसे कट कर लिया है।
यहाँ पे ऊपर से 9 इंच डाउन पे हमें मार्क करना है, वहाँ से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। और इसी तरीके से नेट फैब्रिक से भी हमें शेप कट कर लेना है। तो दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे हम, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर से 11 इंच डाउन पे हमें मार्क करना है इस तरीके से। और यहाँ से हमें कॉर्नर तक क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे मेन फैब्रिक से भी हमने दो रेक्टेंगल पीसेस कट किए हैं मेन लेयर के लिए। जहाँ पे भी हमें शेप ड्रॉ करना है, ब्रॉडनेस और लेंथ हमने ली है 20 इंचेस। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें ऊपर से 9 इंचेस डाउन पे मार्क करना है, और यहाँ से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से मार्क को मिलाते हुए। क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे भी हमें कट कर लेना है मेन लेयर के पैटर्न के लिए। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे प्लेन फैब्रिक की अपर बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर की सिलाई करनी है, नेट फैब्रिक के ऊपर भी हम बड़े नंबर की सिलाई करेंगे। बेस और नेट फैब्रिक में हमें गैदरिंग करना है। तो यहाँ पे एक धागे को अलग करेंगे और एक हल्के हाथ से खींचते हुए पूरी ब्रॉडनेस में हमें गैदरिंग करना है इस तरीके से। चारों पार्ट्स में हम गैदरिंग करेंगे। ये देखिए हम इस तरीके से नेट और बेस फैब्रिक को हमने गैदरिंग कर लिया है। दोनों पार्ट्स हमने रेडी कर लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए, बॉटम के पार्ट्स के लिए। अब यहाँ पे मेन लेयर पे हमें प्लेट्स रेडी करनी है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट्स को हमने अरेंज किए हैं। टॉप का पार्ट है, इसकी ब्रॉडनेस हमें मेजर कर लेनी है जो हमारे 16 इंचेस है, और 16 इंचेस के यहाँ पे हमें प्लेट्स रेडी करनी है। तो इस तरीके से वन साइड से हमें प्लेट्स लेते जाना है, लेफ्ट टू राइट हम प्लेट्स लेते जाएंगे इस तरीके से वन बाय वन। और 16 इंचेस ब्रॉडनेस सिमिलर करते हुए हमें प्लेट्स यहाँ पे रेडी करनी है, और ऊपर से सिलाई करते हुए दोनों पार्ट्स में इसको फिक्स कर देना है। ये देखिए हमने इस तरीके से दोनों पार्ट्स में प्लेट्स रेडी कर ली है, और मेन लेयर को यहाँ पे बॉटम के पार्ट्स के ऊपर हमें सीधा रखना है अपर बॉर्डर को मिलाते हुए इस तरीके से। दोनों पार्ट्स हम रेडी करेंगे फ्रंट और बैक के लिए। और तीनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाने के बाद, अपर ऑर्डर को सिमिलर करने के बाद, हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे इस तरीके से, और ऊपर से सिलाई करते हुए टॉप और बॉटम हमें जॉइंट कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरीके से टॉप और बॉटम हमने जॉइंट कर लिए हैं, और नीचे वाले बॉर्डर को हमें रोंग साइड पर डबल फोल्ड करते हुए सिलेक्ट कर लेना है मेन और बेस फैब्रिक में वन बाय वन। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बॉर्डर को भी हमने फोल्ड कर लिया है दोनों पार्ट्स में।
अब फ्रंट रोडिक को रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से मिलाएंगे हम फ्रंट रोडिक को और 1 इंच की डिफरेंस पे हमें सिलाई करना है। मेन रोड बेस को फिटिंग करेंगे और नेट फैब्रिक को भी हमें फिटिंग करना है। तीनों फैब्रिक को 1 बाय 1 हमें फिटिंग कर लेना है। फ्रंट और बैक को मिलाते जाना है और दोनों साइड से 1 इंच की डिस्टेंस पर सिलाई करेंगे और फ्रॉक को हमें फिटिंग कर लेना है। इस तरीके से तो ये देखिए हमने फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है और इसे राइट साइड में टर्न कर लिया है और इसी के साथ ही डिज़ाइनर वेव फ्रॉक हमारा रेडी है। दोस्तों अगर आपको ये हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।